मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि हम लोगों ने, नौजवानों और बुजुर्गों ने हर मस्जिद में हर जगह पे नमाज के साथ दुआएं खैर मांगी गई कि हमें रहम की बारिश अदा की जाए, क्योंकि 3 से 4 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, जिसमें किसान लोग बहुत परेशान थे। फसल लोगों के सब्जियां वगैरह नहीं हो रही थी, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 3-4 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी। जो पिछला महीना हमारा चला गया, इसमें तो बर्फबारी होती होनी थी, मगर काफ़ी देर से ये लोग कह रहे हैं कि ये पहला महीना ऐसा सूखा गया। तो मैं बफलियात में रहता हूँ, मैं सबसे पहले मैं अपने DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नए हमारे यहाँ आए हुए अच्छा काम करते हैं। लिहाजा हमारे इस टाइम पशाना से लेकर सुरनकोट तक जितने भी साइड के इलाके हैं, जैसे मड़ा हो गया, जो भी साइड की रोड है, जहाँ जहाँ लोगों की गाड़ियाँ जाती हैं, वो रोडें चालू की जाएं ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, कि बीमार हो, कुछ हो, उनको सब रोडें चालू होनी। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि सुरनकोट में हमारे DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, उन्होंने अपने नंबर जो हैं वो लोगों को डाल दिए मीडिया के ज़रिए से, कि जिसको भी किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वो इस नंबर पर रब्ता करें और वो उनका साना पिछाना उनका साथ देंगे। उनको कहीं भी परेशानी होगी तो DSP साहब और SHO साहब उनका साथ देंगे। मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ और आपके शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जो बर्फबारी हुई है। यहाँ इस बर्फबारी से ये लोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को बहुत दिक्कत आ रही थी, फसल में नुकसान हो रहा था, वो भी हमें अल्लाह का शुक्र है उसमें भी इजाफा होगा। और हर तरीके से हम जो पानी की कमी हो गई थी, हर चीज़ की कमी थी, इसलिए हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ये बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हमारी सारी परेशानी। ये साल दो साल के बाद बर्फबारी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतजार था, वो अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली और जिसकी वजह से हमारी परेशानियाँ काफ़ी दूर। ये बिल्कुल जरा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि वो हर दम हमारे साथ है। इसी DC साहब को हम शुक्रगुजार करते हैं, लेकिन हम अपील करेंगे जहाँ जहाँ जो रोड बंद है वो जल्दी से जल्द खुलवाए। सुरनकोट जैसे कि मुगू रोड की भी है, उसमें दिक्कत तो है, लेकिन मेहरबानी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बैरमकला टू पिछाना की रोड है सर, वो इमीडिएटली खोली जाए, मैं खुद ही वहाँ का रहने वाला हूँ, ताकि हमारी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के ये रोड के कामों में थोड़ी सी जल्दी की जाए, ताकि लोगों को सफ़र न करना पड़े।